नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। टाइम मैगजीन के ताजा अंक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फोटो के साथ एक शीर्षक प्रकाशित किया गया है, जिसमें लिखा है अंडर अचीवर। कुल मिलाकर 2 साल के अंदर अंदर टाइम मैगजीन का यह दूसरा कवर पेज है जिसमें मनमोहन सिंह छाए हुए हैं, लेकिन 2 साल पहले स्थितियां कुछ और थी और 2 साल बाद स्थितियां कुछ और हैं। टाइम मैगजीन के इस ताजा अंक में मनमोहन सिंह को बहुत ही कमजोर बताया गया है और ऐसा प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया है जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक सुधार की बात हो या निर्णयों की बात। आखिर क्या है इस टाइम मैगजीन के ताजा अंक का सच? तो टाइम के सच पर आज चर्चा करेंगे हमारे इस खास पेशकश में। आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी, हमारे साथ रहेंगे। प्रताप जी, क्या लगता है, जिस तरह से टाइम मैगजीन 2 साल के अंदर, 2010 में टाइम मैगजीन का जो अंक आया था उसमें मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने वाला एक प्रधानमंत्री माना गया था जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत कुछ तय करेंगे भारत के, लेकिन 2 साल के अंदर क्या स्थितियां बिगड़ी कि मनमोहन सिंह को आज वो अंडर आशीष अचीवर बता रहे हैं? आशीष 2 साल की बात नहीं, अभी अमेरिका और यूरोप जब परेशानी में पड़े और वहाँ अर्थव्यवस्था डगमगाई, पूरा यूरोप हिल गया, ग्रीस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और यूनान और बाकी जो दूसरे देश जब डगमगाने लगे तो कहा गया कि मनमोहन शरणम गच्छामि। लोगों ने मनमोहन से राय लेने की कोशिश की। मनमोहन को कहा गया कि विश्व की अर्थव्यवस्था को यदि कोई एक आदमी है तो वो मनमोहन सिंह बचा सकता है। आखिर में ऐसा क्या टाइम बदल गया कि टाइम की हेडिंग सी बदल गई? तो लगता है कोई ना कोई इसमें घपला है। कोई निश्चित तौर पे मनमोहन सिंह को जो जिसने एक इकोनॉमी का एक ब्रेन बताया था 2 साल पहले, आज वो अचानक अंडर अचीवर हो गया, तो इसके पीछे आशीष लगता है कि कोई ना कोई राजनीति है जो कि यूरोप और अमेरिका से चलती है और भारत तक पहुंचती है। भारत की राजनीति को उथल पुथल और कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं टाइम मैगजीन का हमेशा उपयोग होता रहा है। कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ही प्रताप जी, सत्ता के गलियारों में अब जिसे टाइम मैगजीन ने एक कुल मिला के अपने कवर पेज पे कहा है कि अंडर अचीवर, क्या लगता है सत्ता के गलियारों में भी अभी चर्चा शुरू होगी, कहीं ना कहीं इसको हवा बनाया जाएगा? देखो, ये बात तो ठीक है कि देश पिछले 3-4 सालों से, 5 सालों से निश्चित तौर पे अर्थव्यवस्था की उस दुरावस्था में फंस चुका है और विशेषकर पिछले 2-2.5 सालों से तो हालत इतनी ख़राब है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, रुपए का मूल्य घटता जा रहा है, हम अपने जो ग्रोथ लेवल है उसको भी नहीं अचीव कर पा रहे। ये सारी बातें एक तरफ सच है, लेकिन इसके पीछे दूसरी बात सच ये है कि कहा टाइम की हमें अगली लाइन पढ़नी चाहिए। टाइम ने केवल अंडर अचीवर किस लिए कहा? टाइम ने अंडर अचीवर इसलिए कहा कि मनमोहन सिंह जो इकोनॉमी के विकास के लिए जो जरूरी आधुनिकीकरण और जरूरी जो कदम उठाने थे वो कदम उठाने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि जो FDIs के लिए, जो विदेशी संस्थानों के लिए जो दरवाजे खोलने थे वो खोल नहीं पा रहे हैं। टाइम की जो खड़बड़ाहट है, टाइम की जो कसमसाहट है, टाइम की जो पीड़ा है, उस किवाड़ों के बंद होने को लेकर है, मनमोहन सिंह को लेकर नहीं है। चलिए प्रताप जी, देखते हैं कि टाइम मैगजीन ने जो छापा है अपने अंक में, आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या क्या कहा है टाइम मैगजीन ने अपने इस अंक में? देश के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर हैं, यानी कि उम्मीदों से कम हासिल करने वाले, जो आर्थिक सुधार के मोर्चे पर भी विफल रहे हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के लिए सही नीतियां नहीं लागू कर पाए और मौजूदा विकास की धीमी चाल के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये हम नहीं बल्कि अमेरिकन मैगजीन टाइम्स के इंडियन एडिशन में छपी हुई खबर है। द अंडर अचीवर, इंडिया नीड्स रिबूट शीर्षक की इस खबर में जहां मोदी को अच्छी समझ वाला चतुर नेता कहा गया है, तो वहीं मनमोहन सिंह देश हित के अधिकांश मुद्दों पर असफल रहे PM हैं। मैगजीन में लिखा गया है कि रोजगार पैदा करने वाले कानून संसद में अटके पड़े हैं और जनप्रतिनिधियों से लोगों का भरोसा घटता ही जा रहा है। तो वहीं नरेंद्र मोदी की नई सोच ने गुजरात की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन ये एक गौर करने वाली बात है कि इसी मैगजीन ने 3 साल पहले मनमोहन सिंह को अर्थ पुरुष कहा था और उन्हें एक ऐसा नेता करार दिया था जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी थी, स्थिरता और समृद्धि देश के कदम चूम रही थी।
तो फिर आखिर 3 साल में इतनी तब्दीली आई कैसे, जब यूरोप अमेरिका में आर्थिक हालात नासाज बने हुए थे और भारत डगमगाते हुए बाजार में भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। तब इसी मैगजीन ने मनमोहन सिंह के आर्थिक मसलों की समझ की तारीफ की थी और अब उन्हीं मनमोहन सिंह की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखा आपने किस तरह से टाइम मैगजीन में बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर। प्रताप जी क्या लगता है, देखिए जो बातें कही गई हैं टाइम मैगजीन के पीछे बहुत कुछ हो सकता है, जो आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं बहुत सारे निर्णय, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने दिखती भी हैं। मुझे लगता है कि कहीं पे निशाना है, कहीं पे निशाना। टाइम ने आखिर में टाइम ने ऐसा क्यों टाइम चुना कि जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्रालय से विदा हो गए और मनमोहन सिंह काबिज हो गए। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि टाइम के माध्यम से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां ऐसे समय पे मनमोहन सिंह पर पूरी तरह से दबाव बनाना चाहती हैं या मनमोहन सिंह का सहयोग करना चाहती हैं उनकी आर्थिक नीतियों को लेकर, जिसके कारण प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह में लगातार 3 साल तक कशमकश चलती रही। जिन खुली आर्थिक नीतियों को लेकर प्रणब मुखर्जी सहमत नहीं थे, उन्हें लागू नहीं कर पाए। अब कहीं ना कहीं आर्थिक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो किसी तरह से भी एक दबाव बनाना चाहती है, और मनमोहन सिंह भी कह सकते हैं देखो टाइम भी कह रहा है, दूसरी संस्थाएं भी कह रहे हैं, आप देखिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो रही है। कुल मिलाकर ये निशाना तो प्रणब मुखर्जी पे ही था। प्रताप जी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने दिखती हुई हैं। मंत्रियों पर नियंत्रण खो दिया, भ्रष्टाचार के मामले हैं, विकास दर कम हुई है, बहुत सारे निर्णय अटके हुए हैं सरकार की कमजोरी के कारण। कहीं ना कहीं ये सब विषय ऐसे हैं जो शायद अभी वर्तमान परिस्थिति में जो अर्थव्यवस्था थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो सबको नजर आ रहा है। देखो आशीष, देश की जनता के, देश के अखबार के, देश का मीडिया के, देश के नेता के, देश के सोशल जस्टिस वाले के, देश के एनजीओ के, देश का आम आदमी के, आम पुरुष के, तो समझ में आता है। विदेश में बैठी मैगजीन अगर इस तरह के निशाने करती है तो हमें समझना चाहिए कि एक जमाना ऐसा था कि अचानक देश में सुंदरियों की बाढ़ आ गई थी, एक के बाद एक मिस वर्ल्ड और मिस पैसिफिक और मिस पता नहीं क्या क्या जाने, और उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि सबकी सब सुंदरियां गायब हो गई, जैसे सुंदरियों से बिल्कुल खाली हो गया देश। कुल मिलाकर ऐसा ही लगता है कि जब विदेशी संस्थाओं को, विदेशी व्यापारिक संस्थाओं को, विदेशी व्यापार को देश में बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती है या उनकी नीतियों को लागू करने की, तो ये संस्थाएं, ये मैगजीन, मीडिया, वहाँ का सब कुछ एक साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं। कुल मिलाकर मनमोहन सिंह को ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी का दौर खत्म हो गया, अब मनमोहन सिंह जी अब आप आ गए हैं, अब तो जो बात हम पिछले 3 सालों से कह रहे थे अब तो वो लागू कर दीजिए जिससे हम वापस आपको अचीवर बना लें। पर प्रताप जी, वित्त मंत्री के रूप में दूसरी पारी है, पहली पारी जो थी वो 1991-92 की जो पारी थी बहुत अच्छी पारी मनमोहन सिंह ने खेली थी, अब दोबारा एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पास जिम्मेदारी आ गई है। आपका कहना है कि टाइम मैगजीन कहीं ना कहीं जो जिन विषयों को पीछे से उठाना चाहते हैं वो विषय क्या लगता है, अब अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह के लिए क्योंकि उन्हें अंडर अचीवर कहा गया है, अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनके लिए चुनौती है? बिल्कुल, केवल चुनौती नहीं है, इस माध्यम से टाइम ने एक बात और संकेत कर दिया, भाई आपको जो 5 साल पहले डायरेक्शन दिए गए थे, जो कहा गया था कि आप इस तरह से खुले कीजिए खिड़कियों को, दरवाजों को इतना खोलिए, वो सब आप नहीं खोल रहे हैं। आप रिटेल में FDI के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरह से आप रोजगार के लिए नई पॉलिसी लानी है वो नहीं ला पा रहे हैं, आप फूड सिक्योरिटी को लेकर नहीं कुछ कर पा रहे हैं, यानी कि सारी की सारी जो विदेशी योजनाएं आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। FDI कैसे आएगा, और आप देखिए कि FDI आएगा तो यहाँ पैसा आएगा, पैसा आएगा तो यहाँ सब विकास होगा, विकास दर कुल मिलाकर उससे प्रभावित, कुल मिलाकर उसका असर दिखाई देगा। अचीवर बनने के लिए मनमोहन सिंह जिस सरपट तरीके से दौड़ेंगे और उसके बाद जब भुगतेंगे तो आने वाली पीढ़ियां मनमोहन सिंह तो अचीवर हो जाएंगे। चलिए क्या होगा आगे इस पर चर्चा करेंगे, फिलहाल यहां पर आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ, कुल मिलाकर जो मामला है, प्रताप जी अब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। एनके सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिंह साहब, टाइम मैगजीन कहती है प्रधानमंत्री को अंडर अचीवर एक उपाधि दी गई है, कैसे क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे 2-3 साल के अंदर आखिर क्या सब कुछ बदल गया? देखिए दो चीजें, इसको दो नजर से देखना पड़ेगा।
एक तो ये है कि प्रधानमंत्री अंडर अचीवर हैं या ओवर अचीवर हैं, इस बात को सात समुंदर पार बैठे अमेरिकन से हमें पता करने की जरूरत नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम, CWG, तमाम जो करप्शन के केसेस हुए हैं, महंगाई जिस तरह बढ़ी है उसको लेके हम ये कह सकते हैं कि ये चीजें तो भारत में ऑलरेडी हैं, इसके लिए हमें सात समुंदर पार से टाइम मैगजीन से नहीं जानना है। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा नहीं कर पाए यूपीए 2 में, चीजें जिस तरह से कोएलिशन का प्रेशर रहा और जिसपे हर बार उनको अपने नैतिक मूल्यों से नीचे आना पड़ा, ये बहुत स्पष्ट है। और इसको लेके जनता में एक नाराजगी है, ये भी स्पष्ट है। जो मॉडल आपने इकोनॉमी का दिया था वो मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा, और आपका GDP ग्रोथ रेट तो अचीव हो गया, ठीक है, आज उसको कम हो गया है, आज वो 6%, 7%, 8% पे है, लेकिन कुल मिला के ये रहा कि आपका GDP वॉल्यूम बढ़ गया है लेकिन गरीबी नहीं बढ़ी, इसका सीधा सा गरीबी नहीं खत्म हुई, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अचीव नहीं कर पाए जो टारगेट था, इसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, अचानक ये अमेरिका में एक हफ्ते से आप देखिए भारत के खिलाफ एक कैंपेन हो गया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज दो हैं जिन्होंने कहा है कि साहब भारत की क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है, उसके बाद अचानक टाइम्स मैगजीन आता है, वो भी भारत को अंडर अचीवर बताता है, भारत के प्राइम मिनिस्टर को बताता है, और यही टाइम मैगजीन है जो कि कसीदे काटता था प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट फोर्सेस ये दबाव डाल रही हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस, कि प्रधानमंत्री फिर से जो डिक्टेट्स हैं वहां के इकोनॉमिक डिक्टेट्स उसको मानना शुरू करें। आज जरूरत है कि हम सब्सिडी दें किसानों के लिए, फर्टिलाइजर में सब्सिडी दें, फूड सिक्योरिटी बिल लाएं और खाद्यान्न को सस्ता करें, ये सारी जरूरत है, लेकिन इसमें सब्सिडी बढ़ जाएगी। सिंह साहब, क्या ये षड्यंत्र नहीं लगता प्रणब मुखर्जी के अचानक वित्त मंत्रालय से जाने के साथ ही मनमोहन सिंह के कंधे का उपयोग कर एक तो प्रणब मुखर्जी की नीतियों पर हमला किया जा रहा है, दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसी है और विदेश है वो अपनी अर्थनीतियों को भारत पर मनमोहन सिंह के माध्यम से थोप कर हमें वापस उसी तरह की नीतियों की ओर ले जाना चाह रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया, हम उसी तरफ आ रहे थे कि हमारे यहाँ आप याद करिए 2003 में इसी इंटरनेशनल फोर्सेस ने हमें फोर्स किया कि पार्लियामेंट पे हम FRBM एक्ट लाएं, फाइनेंशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन, बजटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्ट, उसको लाने का सीधा मतलब था कि आप फिस्कल डेफिसिट को अपने एक सीमा से ज्यादा ना बढ़ने दें। हमारी मजबूरी यह है कि हमें सब्सिडी देना पड़ेगा, किसानों को फर्टिलाइजर सस्ता देना पड़ेगा, वरना भारत एक गरीब देश है, बिल्कुल गरीब खत्म हो जाएंगे। आज दबाव इंटरनेशनल एजेंसीज का यह है कि किसी तरह आप सब्सिडी ना दीजिए, अगर आप देते हैं तो आप अंडर अचीवर हैं, अगर आप देते हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग कम कर दी जाएगी, और आपका क्योंकि आज ये माना जा रहा है कि अगर फिस्कल डेफिसिट आपका 5% से ज्यादा हुआ, 4.5% से ज्यादा हुआ, तो आप इसका मतलब अंडर अचीवर है, मतलब कि ये दबाव डाला जा रहा है कि हम सब्सिडीज देना बंद कर दें, और ये इंटरनेशनल फोर्सेस कर रही हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले अचानक लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा और ये आपकी ऐश्वर्या राय, ये सारे मिस यूनिवर और मिस वर्ल्ड बन गए, सिर्फ इसलिए कि भारत में कॉस्मेटिक्स का मार्केट क्रिएट करना था। तो वही आज हो रहा है, उसी का रिवर्स पोजीशन देखिए कि भारत की निंदा लगातार हो रही है पिछले एक हफ्ते से, इसका सीधा मतलब है कि उनको दबाव डाला जा रहा है हमारी लीडरशिप पे कि किसी तरह ये फॉर्मल जो पुरानी इकोनॉमी है उसी पे ये वापस चले जाओ, सब्सिडीज देना बंद कर। सिंह साहब, बड़ा एक और लगता है कि अचानक प्रणब मुखर्जी के जाते ही और वित्त मंत्रालय मनमोहन सिंह के संभालते ही लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें मनमोहन सिंह उनकी भी सहमति लगती है, क्योंकि वो तो पहले से ही ओपन पॉलिसी और अमेरिका जो विदेशी पॉलिसी के समर्थक रहे, कहीं ना कहीं ये अपने जो UPA में ये बता के कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है और अपनी नीतियों को लागू करवाने के लिए भी इसमें टाइम का सहारा ले सकते हैं? जी हाँ, वो लेना चाहेंगे, लेकिन मुश्किल ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह मुझे लगता है मेरुदंड विहीन है जी। इस समय व्यक्तिगत ईमानदारी एक बड़े सिस्टम में कोई काम नहीं करती है। एक आदमी, एक प्रधानमंत्री है, वो सस्ते कपड़े पहनता है, ये ईमानदार, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बजाय इसके कि वो अपनी ईमानदारी को वैल्यू सिस्टम में लाए और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर निहायत ईमानदारी से वर्क करे। यहाँ मुश्किल ये है कि मेरुदंड विहीन है प्रधानमंत्री और उनका स्पाइन मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, वरना तन के कह सकते हैं। आप देखिए मनमोहन से इस समय जिस तरह प्रणब मुखर्जी के इलेक्शन में मायावती को, मुलायम सिंह को और नीतीश कुमार को जिस तरह सजदे किए जा रहे हैं, वो कोई भी प्रधानमंत्री अगर रीढ़ का होता वो ये ना करता जी। तो इस समय सीधी सी बात है कि जो चीजें हो रही उसमें प्रधानमंत्री का ये लग रहा है कि नहीं, व्यक्तिगत ईमानदारी जो कुछ भी हो ये तन के खड़े होने वाले व्यक्ति नहीं है, और मुझे लगता है